हुआ क्या है आपको, हुआ क्या है? ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोग्राम राज की बात के साथ जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक के करम से, मेहरबानी से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हमारे एपिसोड 142 को देखा और खूबसूरत कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई की, और आपने हमारी वीडियो को लाइक भी किया, बहुत सारे हमें लाइक्स मिले, तो उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। तो आज मैं उसी लोकेशन में मौजूद हूँ। थोड़ा सा मसला हो गया, इस लोकेशन को हमने किया था क्लियर और बिल्कुल हम गारंटी के साथ इसको क्लियर करके गए थे। उसके बाद जो है, जिस भाई ने हमें इस इमारत को दिखाया, इस जगह का बताया, उसके घर वालों का हमें फ़ोन आया, जो कि बिल्कुल साथ घर है। उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा है उसको मसला हो गया है, आपने इन जिन्नात को छेड़ा जो यहाँ पे मखलूक रहती थी, उसकी वजह से हमारे बेटे को उन्होंने यहाँ पे कैद कर लिया है। और जिस भाई ने हमें बताया था कि यहाँ पे जिन्नात हैं, इसको क्लियर करें, अब ये समझ नहीं आ रही कि वो जो मसला था वो किस वजह से हुआ, और हम तो इस जगह को क्लियर करके गए थे और ऐसा क्या मसला हुआ है। अब इनके घर वालों का ये बताना है, वो कैमरे पर नहीं आ रहे। वो कहते हैं जी हमारा बच्चा जो है रात से इस घर के अंदर है, छुपा हुआ है, किसी को नज़दीक नहीं जाने देता, और जो अंदर जाता है उसके ऊपर वो हमला करता है। आशिक भाई थे आज मसरूफ़, इनकी बार बार कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा जाके सिचुएशन देख आता हूँ कि मसला है क्या, कैसे हुआ है। तो मसला कैसे हुआ है, क्या हुआ है, घर वाले तो गोलमोल बात कर रहे हैं, नहीं बता रहे। लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो में थोड़ी सी एक वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ कि अंदर जो भाई है अगर तो बैठा हुआ है, क्यों बैठा है, क्या करता है और उसको क्या हुआ है, थोड़ा सा उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर तो मेरे से ये मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल आशिफ भाई जैसे टाइम देंगे, वो फ्री हो जाएंगे, तो उनको हम साथ लेके आएंगे और फिर कोशिश करेंगे इसका किसी ना किसी तरह मामलात को क्लियर करें, उसके जो अंदर असरात हुए हैं उसको क्लियर करें और फिर आपको बताएं कि ये जो असरात हैं हुए क्या, क्यों थे और उसकी वजह क्या थी और कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई है। जो मेरे जहन में ये आ रहा है कि हमने जो है 3 दिन का बोला था कि आपने 3 दिन इस इमारत वाली साइड पे नहीं आना और एक मुर्गा या कोई ऐसी चीज़ छोटी मोटा सदका भी देना है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सदका नहीं दिया या 3 दिन से पहले इस इमारत की तरफ वो आया है, जिसकी वजह से वो मसला हुआ है और वो इस इमारत के अंदर अब वो अंदर है और किसी को अपने साथ नहीं आने देता। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ और फिर कोशिश करूँगा कि आशिक भाई को भी साथ ले कर आएँ और ये जो मसला है अगर तो हल करने वाला है वो हल भी करें और आप जो इसकी तफसीलात भी जो है मज़ीद बताएँ। तो ये मोबाइल का जो वीडियो है इसको मैं कर देता हूँ, रिकॉर्ड पे डाल देता हूँ और हालांकि कसर भाई अच्छी भली हम इमारत को क्लियर करके गए थे, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्लियर हुई इमारत में फिर असरात क्यों हुए और जिसने हमें इमारत का बताया तो उसके साथ क्या बनी, थोड़ा सा आपको मामला दिखा देते हैं। अंदर वो भाई किस हालत में है, क्या है, क्या कर रहा है, इधर आ जाएं जी। हेलो प्याज भाई, क्या कर रहे हो इधर? ओए ओए कसर भाई, इसकी तो हालत ही अजीब है, क्या हुआ है प्याज भाई, क्या हुआ है, हुआ क्या है मेरे भाई को,
मसला क्या हुआ है? आपको हुआ क्या है यार? मैं आपको ठीक करने आया हूँ भाई। मैं आपको ठीक करने आया हूँ। यार मैं आपको ठीक करने आया हूँ भाई। यार इसकी तो हालत ही ख़राब हो रही है कसर भाई। उस दिन तो कितनी ज़बरदस्त बातें कर रहा था यार ये, हैं बड़ा समझदारी के साथ। यार मैं आपको ठीक करने आया हूँ भाई। कसर भाई उस साइड में आए, ये कर क्या रहा है अंदर? भाई आपको ठीक करने आए यार। फियाज भाई आपको ठीक करने आए यार। अच्छा जाते हैं जाते हैं, मुझे एक एक सवाल का जवाब दे दो। आप इधर कर क्या रहे हो? इधर आ जाओ। फियाज भाई क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है थोड़ा बता सकते हो? मेरे भाई को क्या हुआ है? ओए हुआ क्या है आपको? हुआ क्या है? यार ये तो उड़ के आता है यार। कसर भाई ऐसे छलांगे मार रहा है, ऐसे उड़ता है ऊपर दीवार से, ऐसे आया जैसे उड़ के नहीं आता परिंदा। पूरी इमारत को जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं करते भाई, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, जा रहे हैं। हुआ क्या है आपको? हुआ क्या है? मारे को जाओ, बोला जाओ, चले जाओ, जाओ। आपको हाँ, आपको किसी ने छेड़ा है? कोई कहा है कुछ? हाँ छेड़ा है। फियाज भाई यार आपका इलाज करने आया हूँ मैं तो। अच्छा जा रहे जा रहे यार, जा रहे और जा रहे भाई, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। कसर भाई क्या करे हैं? ये आशिक भाई को ही लाना पड़ेगा, ये तो इमारत में दाखिल नहीं होने देता। और इस तरह अगर ये मामलात होते रहे तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसको। जा रहे हैं, जा रहे हैं यार, जा रहे हैं, जा रहे हैं। मैं क्या करूं इसका? बोला
जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कसर भाई समझदारी यही है कि अभी हम यहाँ से जा, छोड़ दो कैमरा उधर कर लो। दोस्तों हम ना लगी तो नहीं कैमरे को भैया, हम जो है लगता है कोई ना कोई मिस्टेक हमसे हुई है जिसकी वजह से ये मसले में आया है। अब कसर गाड़ी कैसे ले आएंगे? आप यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं, आशिक भाई को कल लेके आते हैं, फिर इसके मामला जो हैं वो करते हैं। अभी आप यहाँ से कैमरे वगैरह बंद करके आराम से गाड़ी लेके आ जाओ, ठीक है ना? ज़्यादा इसको छेड़ेंगे, ये तो पागल हुआ हुआ है, फुल इस पर असरात हुए हुए हैं और जिसकी वजह से ये बार बार हमला कर रहा है इस हमें। वेट क्या करेंगे, चलते हैं, बंद कर दें। दोस्तों कल जो है आशिक भाई को लेके आएंगे और उसके बाद हम कोई वीडियो बनाएंगे, इसको दिखाएंगे कि किस तरह ये ठीक हो सकते हैं मामलात। वाकई मेरी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो गई है और यहाँ तक हमला करता हुआ बाहर तक निकला है और ये किसी को मार भी सकता है, किसी को कत्ल भी कर सकता है, कोई यहाँ से गुजरने वाले को, जिस तरह वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। और लाइट जब पड़ती है हम कैमरे का रुख उधर करते हैं तो वो फौरन हमारे ऊपर हमला करता है। तो इजाज़त दें, कल की वीडियो का इंतज़ार करें, आशिक भाई को बुलाते हैं, कल फिर आते हैं और आके इसको कुछ मामलात को देखते हैं और हुआ क्या है, कैसे अब ठीक होगा। तो आशिक भाई भी ज़रा अब करने को, मैं भी कुछ कर सकता हूँ मामलात, मैं पढ़ाई शुरू करूँ, लेकिन जब आशिक भाई होंगे तो मामलात ज़्यादा अच्छे होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।